कंटिन्यूइंग विद द फैक्टर्स दैट कैन इफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स और द इकोलॉजी ऑफ प्लांट्स, वी कम टू द नेक्स्ट फैक्टर दैट कैन इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन एन एरिया, दैट इज एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट. क्लाइमेट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनमें से एक है एटमॉस्फेयर. तो आज हम एटमॉस्फेयर को डिस्कस करेंगे. इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक, वोंट टेक टू मच ऑफ टाइम, बट वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड दैट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस वीडियो आर हाईलाइटेड इन रेड सो दैट यू कैन नोट देम डाउन. ओके, हमेशा की तरह इसमें भी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो रेड में हाईलाइटेड हैं ताकि आप उनको नोट कर सकें. ऑलराइट, सो व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर आपको पता ही है, एटमॉस्फेयर आसपास की हवा को कहते हैं. हमारे आसपास जो हवा है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एक गैस नहीं है, उसमें बहुत सारी गैसेस हैं. अगर अर्थ की ग्रेविटी ना होती तो शायद ये गैसेस अर्थ के साथ ऐसे अटैच, ऐसे चिपकी हुई ना होती. अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ये सारी गैसेस जो हैं ये अर्थ के सरफेस के साथ चिपकी हुई हैं, और ये इट इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई लाइफ इज प्रेजेंट ऑन अर्थ. ये गैसेस हमेशा यहाँ रहती हैं और इनका एक खास परसेंटेज है, इसकी वजह से प्लैनेट अर्थ पे लाइफ है. यू हैव 78% नाइट्रोजन, अबाउट 21% ऑक्सीजन, अबाउट 0.93% नोबेल गैसेस एंड अबाउट 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड. ऑफकोर्स फिर वाटर वेपर, डस्ट, ये सारी चीज़ें जगह जगह पर डिपेंड करेंगी, वेरी करेंगी, लेकिन जो गैसेस हैं मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन. नोबेल गैसेस में ज़्यादातर आर्गन होती है, तो ये चीज़ें कांस्टेंट हैं. बाकी चीज़ें जैसे पानी हो गया, मिट्टी हो गई, ठीक है, पोलन ग्रेन्स हो गए, ये सब वेरिएबल. ये जो हमारे प्लैनेट अर्थ के आसपास हवा का, गैसेस का एक मिक्सचर है, अगर हम उसको नीचे से ऊपर जाएं हम और उसको देखें कि उसमें कौन सी लेयर्स हैं. सो इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, दैट इज़ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जहां हम रहते हैं अर्थ के ऊपर, अगर वहां से ऊपर की तरफ जाना शुरू करें तो चार लेयर्स जो हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर, दीज आर द फोर लेयर्स ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी एटमॉस्फेयर इफ टेकन इन अ वर्टिकल सेक्शन. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच ऑफ दीज लेयर्स इन अ ब्रीफ अकाउंट. द ट्रोपोस्फीयर इज़ द फर्स्ट लेयर, इट इज़ द लोएस्ट लेयर अगर हम नीचे से शुरू करते हैं, और नीचे से लेके 12 किलोमीटर ऊपर तक. अर्थ से हम डायरेक्टली अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो अर्थ के सरफेस से 12 किलोमीटर तक ये ट्रोपोस्फीयर होता है. इसकी जो अपर बाउंड्री है इसको ट्रोपोपॉज कहते हैं. यहाँ पे ट्रोपोपॉज पे टेम्परेचर इन्वर्शन होता है, उलट हो जाता है टेम्परेचर, मतलब कि जो गर्म हवा है वो ऊपर होती है और कोल्ड एयर जो है वो नीचे होती है. नॉर्मली ट्रोपोस्फीयर में उलट होता है, लेकिन ट्रोपोपॉज पे जब जाते हैं तो गर्म हवा ऊपर होगी और कोल्ड एयर नीचे होगी. अब ट्रोपोपॉज के बाद सेकंड लेयर शुरू होती है विच इज़ कॉल्ड स्ट्रेटोस्फीयर. ये तकरीबन अगर सरफेस से देखें तो 50 या 55 किलोमीटर तक ऊपर अगर हम जाएंगे तो वो स्ट्रेटोस्फीयर रहता है. इस स्ट्रेटोस्फीयर की सबसे बड़ी खासियत है ठंडा होता है ऑफ कोर्स, लेकिन इसके अलावा इसमें बीच में स्ट्रेटोस्फीयर एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर, सो इन द मिडल एट अबाउट 25 किलोमीटर हमें ओजोन की लेयर मिलती है. ओजोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एज यू नो ओजोन जो है वो हार्मफुल रेडिएशन जो सन से आती है सनलाइट के साथ उसको ब्लॉक करती है और अर्थ तक नहीं पहुँचने देती, जिससे यहाँ पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारी बीमारियां नहीं होती. ऑलराइट, द थर्ड लेयर इज द मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर होती है और ये तकरीबन अर्थ के सरफेस से 80-85 किलोमीटर तक जाती है. इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, टेम्परेचर्स गो अप टू -85 इन दिस. और इस लेयर तक पहुंचने के लिए सिर्फ हम रॉकेट्स का ही इस्तेमाल करेंगे. यहाँ तक पहुँचने का जो पावर है वो
एयरक्राफ्ट में या एरोप्लेन में नहीं होता, यहाँ तक सिर्फ रॉकेट्स पहुँच सकते हैं। एरोप्लेन को हम रॉकेट्स फिट करके भी यहाँ तक ले जाते हैं, बट पायलट्स के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उन्हें सर्वाइव करना। सो इट इज़ ओनली प्रॉपर रॉकेट्स विच रीच दिस एयर। ओके, द नेक्स्ट लेयर इज़ थर्मोस्फेयर विच goes up to approximately 100 kilometers from the earth's surface and slowly ye space mein merge ho jata hai, theek hai? To ye space ke bilkul saath wala layer. So these are the four layers of the atmosphere. Okay, this is a brief diagram of the layers. Aur layers mein inme kya kya paya jata hai. Sabse niche wali layer tak aircraft hai, उससे ऊपर वाली लेयर में बलून्स पहुंच जाते हैं। मीजोस्फीयर में जो स्पेस से पत्थर आके गिरते हैं अर्थ पे, इनको मीटेरॉइड्स कहते हैं। वो मीटेरॉइड्स ज़्यादातर मीजोस्फीयर तक पहुंचते हैं और यहाँ के फ्रिक्शन की वजह से, एयर के साथ जो रब करते हैं उसकी वजह से ये जल जाते हैं, ठीक है? सो थर्मोस्फीयर इज देयर, थर्मोस्फीयर में कुछ खास नहीं है, स्पेस के बिल्कुल साथ, आउटर स्पेस के बिल्कुल साथ वाली लेयर। you should draw this diagram with you so that in case you are asked in an examination you can draw the layers of earth. Okay, diagram zarur bana lijiyega, important hai. Okay, so we have seen the different layers of the atmosphere, we have seen what is there in these layers. Now atmosphere ka ecology mein ya biology mein kya role hai, what is the इम्पैक्ट और व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे पहली बात यह है कि एटमॉस्फेयर का जो वेट है, जो वजन पड़ता है अर्थ के सरफेस पे, जो प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में अर्थ पे आपको मिलता है। अगर ये एटमॉस्फेयर ना हो तो वाटर विल इवेपोरेट, इट विल बिकम गैशियस, और अगर वाटर नहीं होगा तो लाइफ विल नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। ओके, इवन अदरवाइज एटमॉस्फेयर प्रोवाइड्स अस विद गैसेस। ओके, उन गैसेस से, कार्बन डाइऑक्साइड से प्लांट्स फूड बनाते हैं, ऑक्सीजन से हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है? तो गैसेस भी एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है, उसके अलावा जो एटमॉस्फेयरिक प्रेशर है उसकी वजह से वाटर रिमेन्स लिक्विड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, राइट? देन ओजोन लेयर की हमने बात की थी, इट एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ओके, फिर जो सनलाइट आती है उसके साथ इंफ्रारेड आता है, जिससे कि अर्थ, जिसमें हीट होती है, जिससे कि अर्थ का सरफेस जो है वो गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो ये हीट इमिजिएटली हम लूज़ कर देंगे और रात तक बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, लेकिन एटमॉस्फेयर जो है वो इस हीट को पकड़ के रखता है, रोक के रखता है, ताकि रात इतनी ठंडी नहीं होती, ठीक है? नाउ जब ये एटमॉस्फेयर मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह पे विंड के फॉर्म में, तो एक अलग फैक्टर हो जाता है जो प्लांट्स खासकर के ऊपर इफेक्ट डालता है। सो दिस इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू एटमॉस्फेयर एंड इट्स रोल इन द इकोलॉजिकल और इन द बायोलॉजिकल सिस्टम।